नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वोडाफोन की लेटेस्ट APN सेटिंग्स के बारे में। तो दोस्तों अगर आप ये APN फॉलो करते हैं तो आपका इंटरनेट काफ़ी अच्छा आएगा, और अगर आपकी सिम जो है, अगर आपकी वोडाफोन की सिम है और आप ऐसे एरिया में यूज़ करते हैं जहाँ पर वोडाफोन के जो है नेटवर्क अच्छे आते हैं, तो आपकी स्पीड जो है 20 Mbps तक मतलब जाएगी। तो आपको करना क्या है, जो मैं आपको बताता हूँ सेटिंग्स उन्हें फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दिखेंगे। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का, तो आपको सिंपली उस पर टैप कर देना है। उसके बाद आपको सिम दिखेंगे कि आपकी कौन कौन सी सिम है। तो दोस्तों मेरी यहाँ पर एयरटेल की है, मेरे पास वोडा की सिम नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा वोडा के मतलब वोडा के अनुसार कि किस तरीके से वोडा में आप कर सकते हैं। वोडाफोन की अगर आपकी सिम है तो कैसे आप जो है अपना APN रखें तो आपका इंटरनेट अच्छा चलेगा। तो आपको उसी सिम पर टैप कर देना है वोडा की आपकी। अगर सिम स्लॉट 1 में है तो आप उससे टैप कर दीजिए, सिम स्लॉट 2 में है तो उसे टैप कर दीजिए। तो मेरे पास नहीं है वोडा की सिम, लेकिन मैं आपको APN वोडा की ही बता रहा हूँ। तो आपकी सिम जिसमें हो, वोडाफोन की जिस स्लॉट में हो, उसे आप सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है एक्सेस पॉइंट नेम्स करके एक ऑप्शन आएगा, तो आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके के APNs आएंगे। तो अगर आपकी वोडाफोन की सिम होगी तो यहाँ पर आपका कुछ पहले से APN बन के आ रहे होंगे, वोडाफोन लाइव करके या फिर जो भी है, तो आपको उनमें से कोई सेलेक्ट नहीं करना है, आपको अपना नया APN बनाना है। तो नीचे आप देख सकते हैं न्यू APN का ऑप्शन आ रहा होगा और रीसेट का। तो दोस्तों बहुत से फ़ोनों में जो है ऊपर भी आता है ये ऑप्शन, मेरे में नीचे आ रहा है। तो आपका जहाँ भी न्यू APN का ऑप्शन आ रहा हो तो वहाँ पर क्लिक कर दीजिए। तो इस तरीके का आपके सामने एक फॉर्म टाइप खुल के आएगा, और यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारे फिल करने हैं आपको। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप फिल कर सकते हैं। तो नेम दोस्तों सबसे पहले आ रहा है, तो नेम में आपको लिखना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। नेम पर आप जैसे ही टैप करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का लिखने के लिए ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए वोडाफोन स्पेस देके LTE। इसके बाद आपको ओके कर देना है। फिर आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा APN का, तो आप उसे टैप करिएगा। फिर से इसमें लिखने का ऑप्शन आएगा आपको, तो आपको यहाँ पर लिखना है PORTAL पोर्टल N, उसके बाद MMS, फिर आपको ओके कर देना है। उसके बाद आपको दोबारा ऑप्शन आएगा MMSC का, और इसके बीच में जितने ऑप्शन ये आपको दिख रहे हैं प्रॉक्सी पोर्ट यूज़र नेम पासवर्ड सर्वर, ये सारे आपको ऐसे छोड़ देने, इनमें आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। तो नेम और APN के बाद आप डायरेक्ट आ जाइए MMSC पर। तो MMSC आप टैप करिएगा और यहाँ पर इस पर मतलब जाइएगा, और इसमें आपको एक लिंक लिखनी है। तो आप ध्यान से देखिएगा कि क्या यहाँ पर आपको लिखना है। तो आपको लिखना है HTTP, फिर उसके बाद सेमीकॉलन, फिर उसके बाद आपको स्लैश, दो स्लैश लगाने, स्लैश स्लैश, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना MMS1.live। उसके बाद आपको दोबारा से डॉट लगाना वोडाफोन, उसके बाद आपको डॉट लगा के INN लिखना है, फिर स्लैश, फिर MMS, फिर स्लैश। दोस्तों आप यहाँ देख लीजिएगा, इसमें कोई गलती ना करें आप लिखने में, तो आप देख लीजिएगा इस तरीके से लिखना है HTTP सेमीकोलन स्लैश स्लैश MMS1.live.vodafone.in/MMS/, फिर आपको ओके कर देना है। उसके बाद आपको आ जाना है MMS प्रॉक्सी पर। तो आपका दोस्तों यहाँ पर नोट सेट है, तो अभी करना क्या है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा, और इसमें आपको लिखना है 10.10.1.100। तो आप देख सकते हैं 10.10.1.100, उसके बाद आपको कर देना ओके। उसके बाद आ जाइए आप MMS पोर्ट पर। तो आपको इस पर जैसे सब पर टैप करते टैप करके इसमें आपको लिखना है 9401 9401, के बाद ओके कर देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे MCC और MNC का। तो दोस्तों MCC और MNC जो ये दो जो ऑप्शन है ये एरिया वाइज होते हैं, और आप इन्हें छेड़खानी मत कीजिएगा, इनसे कोई भी छेड़खानी मत कीजिएगा, ये आपको पहले से ही फिल मिलेंगे। और अगर आप इनसे कोई छेड़खानी करते हैं तो आपका IPN जो है, जो आप मतलब उतनी देर से बना रहे हो, सारा कुछ बेकार हो जाएगा। तो आप ऐसा ना करें, तो इन्हें आपके ऑटोमेटिकली ये फिल होके आएंगे, तो इनसे कोई दिक्कत
आपको कुछ छेड़खानी करनी नहीं है। फिर उसके बाद आपको ऑथेंटिकेशन टाइप ऐसा ही छोड़ देना। उसके बाद आपको APN टाइप का ऑप्शन दिखेगा, तो आप इसे ओपन कर लीजिएगा और फिर आपको यहाँ पर लिखना है DEFAULT, SUPL डिफ़ॉल्ट और SUPL ओके कर देना। फिर उसके बाद आपको APN प्रोटोकॉल IPv4/IPv6 रखना है, APN रोमिंग प्रोटोकॉल IPv4/IPv6 ही रखना है। फिर आपको करना क्या है, उसके बाद आपको VRR का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर नीचे, जिसमें आपको अनस्पेसिफाइड दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है आपको, और अनस्पेसिफाइड के बाद आपको LTE सेलेक्ट कर देना है। जैसे दोस्तों अगर आपके काफ़ी सारे एक साथ सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको करना क्या है, अनस्पेसिफाइड के बाद जो स्टार्टिंग के 7 हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, उन पर टिक कर देना, उसके बाद ओके कर देना। लेकिन दोस्तों अगर आपके जो शुरुआत के साथ सेलेक्ट नहीं होते हैं, केवल एक ही होता है, तो आपको करना क्या है, तो आपको अगर केवल एक ही हो रहा है तो LTE पर सेलेक्ट करके ओके कर देना। लेकिन दोस्तों अगर आपके 7 हो जा रहे हैं तो बहुत सही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आप गिन के 7 पर टिक कर दीजिएगा, उसके बाद ओके कर दीजिएगा, तो आपका जो APN है वो बनके तैयार हो गया। फिर आपको करना क्या है, यहाँ मोर के ऑप्शन पर जाकर आपको ये APN सेव कर देना है। फिर आप बैक आ जाएंगे, तो यहाँ पर आने के बाद फिर आपको करना क्या है, जो आपने APN बनाया है जिस नेम से, जैसे अभी मैंने बनाया वोडाफोन LTE, तो उस पर क्लिक कर देना। उस पर क्लिक करने के बाद जो है आपका इंटरनेट चलने लगे अच्छा बढ़िया, और फिर जो है आप अपना काफ़ी अच्छी स्पीड तक जो है इंजॉय कर सकते हैं अपना इंटरनेट। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं मेरे में 4G मतलब इंटरनेट चल रहा था, अब ई लिख के आने लगा, क्योंकि दोस्तों ये एयरटेल की सिम है, इसलिए अगर आपकी वोडाफोन की सिम होगी तो अच्छा ही इंटरनेट चलेगा। तो आप लोग कमेंट करके ये ना कहें कि तुम्हारा तो बेकार हो गया, क्योंकि दोस्तों ये एयरटेल की सिम है, मैं तो आपको केवल बता रहा हूँ कि आपको वोडाफोन की सिम में कैसे करना है। तो फिर आप बैक आ जाइए, उसके बाद आप यहाँ पर प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप में भी जो है प्रीफर LTE कर सकते हैं। मोबाइल नेटवर्क्स है, आप सेलेक्ट नेटवर्क ऑटोमेटिकली कर सकते हैं, अगर आपका मैनुअली का ऑप्शन आ रहा है तो मैनुअली मत कीजिएगा, आप सेलेक्ट नेटवर्क ऑटोमेटिकली ही रहने दीजिए। फिर अगर आपके में नीचे वोल्टेज का ऑप्शन आता है तो आप इसे भी इनेबल कर दीजिए, इससे होता है कि आपकी वॉइस कॉल की जो क्वालिटी होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। वोल्टेज का मतलब होता है वॉइस ओवर LTE, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी आती है आपकी वॉइस कॉल की, तो आप इसे भी ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप अपनी APN सेटिंग्स कर सकते हैं, और जो है काफ़ी बढ़िया तरीके से आपका इंटरनेट चलने लगेगा। तो दोस्तों अगर मैं चाहता तो यहाँ से मतलब वोडाफोन करके और आप लोगों को पागल बना सकता था, लेकिन दोस्तों ऐसा है नहीं, मेरी एयरटेल की सिम है तो मैं एयरटेल ही रहने दूँगा यहाँ पर, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो आप इसे ट्राई करिएगा, आपका इंटरनेट ज़रूर 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 अच्छा चलेगा, बढ़िया चलेगा, और फिर जो आप अपने फेवरेट शोज़ या फिर जो भी आप इंटरनेट से वर्क करते हैं वो कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, कैसी लगी आपको वीडियो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि हमारे चैनल से आने वाली हर एक। सो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।